Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today 8 फरवरी 2019 फ्राइडे है। अभी सुबह के 7:55 हो रहे हैं। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो आज हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं ये देखेंगे। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, तो जैसे कि रेट कट हुआ है रेपो रेट, तो यानी इसका मतलब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ा दी गई है, तो आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट की हालत देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये एक पिक्चर है कल का, यानी 7 फरवरी 2019 आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,102 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,032। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये राइट साइड का कैंडलस्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है, ये आर्ली चार्ट है। तो कल के निफ्टी इंडेक्स के चार्ट के मुताबिक हमारा ब्रेकआउट लेवल जो 11,102 था, ये ब्रेक होने के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास हाई 11,118 का हाई लगाया और उसके बाद ये दिन भर पेनेट्रेट होते रहा ये लेवल। तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के स्ट्रैटेजी का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हम हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस का एक वीडियो पब्लिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया है, तो मार्केट आज के पहले यानी अराउंड 8:30 के आसपास जब ये वीडियो पब्लिश होता है तो आपके मोबाइल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है जीरोधा और अपस्टॉक्स का, जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया में। अगर आप इन दोनों में से कोई एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब की जो प्रीमियम सर्विसेज है ये आपको फ्री में मिल सकती है। ठीक है, तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नास्डैक में गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 220 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी लाल निशान में बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज मार्केट में 342 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना मार्केट न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, छुट्टी है। हांगकांग मार्केट अभी 328 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 106 पॉइंट की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी 30 पॉइंट्स डाउन है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो थोड़े से निगेटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसा कि लास्ट बैंक निफ्टी के वीडियो में भी हमने बताया था कि ये जो सितंबर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है कंफर्टेबली। ये फिफ्थ मंथ चालू है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सितंबर का ये बियरिश कैंडलस्टिक, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये 5 फरवरी। ये हाई और लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमें यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। हालांकि अभी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है एज पर मंथली चार्ट, तो यहाँ से ये रिकवरी दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि लास्ट 4 मंथ्स में यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना है, जो कि बुलिश साइन होता है, बुलिश पैटर्न होता है। तो अभी इस समय फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लो पकड़ कर अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो हमें ये फिर सपोर्ट जो कि 20 EMA का सपोर्ट है 25,497 यानी ऑलमोस्ट 25,500 के पास हमें फिर से एक बार बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया है ये अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो हमें 25,500 के लेवल्स फिर से एक बार दिखाई दे सकते हैं। अभी 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं इस मंथ के, लेकिन हालांकि लास्ट मंथ का हाई जो 27,754 ये हाई बनाया था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है कंपेयर टू फरवरी मंथ का ये कैंडल, ठीक है, प्राइस एक्शन में हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आरएसआई में देखें हम, आरएसआई अभी भी यहाँ पर कोई भी बुलिश सिग्नल या पैटर्न नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है आरएसआई और यहाँ पर हायर हाई हायर लोस का पैटर्न दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक बुलिश जर्नी दिखाई दे सकती है। आरएसआई अभी फिलहाल लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है। जब डाउन ट्रेंड होता है तभी ये हमें पैटर्न दिखाई देता है। ऐसे हमें हायर हाई के लिए, हमें बुलिश ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लो ये पैटर्न देखना होगा। तो अभी फिलहाल आरएसआई में तो लोअर हाई लोअर लोज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखे प्राइस एक्शन में तो हायर हाई हायर लोज बन रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी के। ये है वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पर आप देखें तो लास्ट जो फॉल आया था अराउंड फरवरी मंथ 2018 में, उसका हाई था 27,652। तो यहाँ पर ये लेवल जो है ये पेनेट्रेट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट 4 वीक से ये लेवल पेनेट्रेट हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो ये लेवल अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा 28,224। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। हालांकि अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स, पहला तो 23.6% का है जो कि 26,927 के पास है, और तुरंत 20 EMA, ये जो पिंक लाइन मूविंग एवरेज का 20 EMA एज पर वीकली चार्ट 26,776 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है। और फिर 38.2%, 50% के ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो हालांकि नीचे अगर जाता ये कोई भी सपोर्ट लेवल के पास और थोड़ा सा डेली चार्ट में कोई अपवर्ड मूव का सिग्नल मिलता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर में ये हर्डल का काम कर सकता है 27,464 ये लेवल। अगर ये कंफर्टेबली क्लोज, इसके ऊपर ब्रेक होता है, क्लोज होता है डेली चार्ट में, तो हमें 28,224 के लेवल्स फिर से एक बार अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और यहाँ से हमें एक अपसाइड जर्नी देखने को मिली थी। हालांकि अभी कल का अगर कैंडलस्टिक देखें तो यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी टाइप का कैंडलस्टिक बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो बुल ने स्ट्रेंथ दिखाई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो मार्केट खत्म होते होते इसने गवा दी और जहाँ पर ओपन हुआ था उसके आसपास आकर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो अगर ये कल का अगर लो अगर ये ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर 20 EMA का होगा जो कि 27,198 यानी 200 के पास है, और ऊपर रेजिस्टेंस अराउंड 27,600 के पास है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर से जो करेक्शन आया था उसके बाद अगर अपसाइड आता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था 2-3 बार। तो यहाँ पर अभी फिर से एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो ऊपर 27,600 के पास रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे 27,200 ये सपोर्ट का फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली, वीकली और मंथली चार्ट में। स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन जो रेजिस्टेंस के हर्डल्स हैं उसको ब्रेक करना काफी जरूरी है। तो चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे निफ्टी के लिए। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। आज लास्ट सेशन है वीक का। अगर यहाँ पर कंटिन्यूस ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो नेक्स्ट वीक, आने वाले नेक्स्ट वीक में यहाँ पर और ऊपर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें जर्नी दिखाई दे सकती है। अगर नहीं तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट अभी फिलहाल 10,985 के पास है, जहाँ पर हमने पास्ट में देखा कई बार ये लेवल पेनेट्रेट हुआ था। तो फर्स्ट सपोर्ट अराउंड 10,986-980 के पास है। उसके बाद ये जो पिंक लाइन है ये 20 EMA का लाइन, उसके पहले जो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो लेवल था वो काफ़ी समय से हर्डल का काम कर रहा था। 10,880 ये नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है, ठीक है। ऊपर 11,080 अगर ब्रेक करता है तो हमें 11,200 के लेवल्स यहाँ पर आने वाले समय में कंफर्टेबली दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रक्चर बुलिश है वीकली चार्ट में। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर बात करें तो कल यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में बने, जो कि एक डाउन ट्रेंड एक करेक्शन का पैटर्न होता है। तो ये सिर्फ सिग्नल है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक अगर बनता है, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट होता है, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। हालांकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, हमने वीकली चार्ट में देखे। ऊपर ये 11,089 का क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये फेस कर सकता है निफ्टी इंडेक्स। स्ट्रक्चर बुलिश बन रहा है। कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशंस हमने यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक देखा था। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अगर निफ्टी इंडेक्स इसके ऊपर यानी 11,110 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,130, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,151। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो सेफ ट्रेडर्स अवॉइड करें ट्रेड करना। जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है एज पर आर्ली चार्ट, ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है इसके नीचे तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। ये फिलहाल है अभी अराउंड 11,027 के पास। तो अगर ये लेवल यहाँ से कंफर्टेबली ब्रेक होता है, सस्टेन करता है इसके नीचे, तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट हमारा तभी होगा 11,002, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और सेकेंड टारगेट 10,961 का होगा। तो ये थी इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी के बारे में। हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ इसी YouTube चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।